स्क्रीन मैंने भी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं भी ओपन कर रहा हूँ सारे ऑप्शन ऑफिस करूँगा। अच्छा जी, हम लोग पढ़ रहे थे कि दूसरे कंट्री के कैंडिडेट्स को कैसे ढूंढते हैं, ठीक हो गया। तो मैंने ये यूट्यूब ओपन कर लिया और इसको कुछ करें, आप इनकॉग्निटो में ओपन किया करें, इससे ये जो कैशे वगैरह होती है वो रीड नहीं होती, और कैशे के बगैर ही ओपन कर लेते हैं उस चीज़ को। और उसका फायदा ये होता है कि फिर आपको वही एग्जैक्ट चीज ओपन होती है जो आप खोलना चाह रहे हैं, मेरी हिस्ट्री को फिर ये डिटेक्ट कर देगा, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने भी इनकॉग्निटो में ही करना है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? ठीक हो गया। गेमिंग से लोग वॉच टाइम पूरा करते हैं, और मैं अभी ये अपनी थोड़ी सेविंग भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कुछ चीजें मैं सेव वगैरह करता रहता हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं, अब देखिए ये मेरे पास कनाडा की खुल चुकी है, मेरे पास YouTube। आप एक्सप्लोर पे जाएंगे, यहाँ पर हमें जितनी भी चीजें ट्रेंडिंग पे होंगी, ब्लॉगर्स होंगे, उनको हम उठा सकते हैं, हम लोग उनकी रिस्टोरेशन वीडियोज उठा सकते हैं, हम लोग उनकी फूड वाली वीडियोज उठा सकते हैं, हम लोग उनकी कंपनी वाली वीडियोज उठा सकते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा वीडियोज उठा सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें कौन कौन सी वीडियोस यहाँ पर ज्यादा वायरल हो रही है, ये देखिए आप। अब ये क्रिएटर कनाडा का, लेकिन ये यू फेसबुक के ऊपर भी है, ठीक है। तो टाइल डॉक्टर डज एन इमरजेंसी रोड सेफ्टी, ठीक है, इसको ओपन करके देख लेते हैं कि अब तो हमें कोई टॉपिक मिल ही जाए। अभी तो हम लोग ढूंढ रहे ट्रेंडिंग से जो चीज हमें नजर आ रही है कि भाई ये लोग हैं जिनका हम कंटेंट उठाकर यूज कर सकते हैं, फिर इसमें भी सेम कीवर्ड आप लगा सकते हैं, फैमिली प्रैंक्स हो गए, लेकिन प्रैंक्स वार हो गए, फूड, लाइक मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ जो थोड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है कि माशरे में ना वो अच्छा जो है ना एक इम्पैक्ट डालेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप देख लो फूड, अगर यहाँ पर भी अगर आ जाए, आप ब्लॉगर लिखूंगा, ब्लॉगर मेरे पास इतने आ जाएंगे, ब्लॉगर के इतने ज्यादा फैन होते हैं लोग, अभी कनाडा के ब्लॉगर मेरे पास आ जाएंगे जिनको मैं कर सकता हूँ, जिनका कंटेंट मैं यूज कर सकता हूँ। अब अगर आपस में 5-6 ब्लॉगर भी हम लोग निकालें तो चेक करेंगे यार क्या वो लोग मौजूद हैं फेसबुक के ऊपर कि नहीं, सिर्फ हमने ये देखना है, ठीक हो गया। इस टॉपिक को यहाँ पर ही हम क्लोज करेंगे, मूव टू दी नेक्स्ट। अभी इसमें यस स्टोरी लगाई भी, देखते हैं ये फेसबुक पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 9 जनवरी की वीडियो इसने लगाई, उसके बाद जैसे ये वीडियो अपलोड कर रहा है तो इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें फौरन पता लग गया यार ये बंदा वीडियोस लगा रहा है, उठा कर काम कर रहा है, ये 1.1161 सब्सक्राइबर है, ये बिल्कुल हम इसको यूज नहीं कर सकते। 1.7 सब्सक्राइबर है तो ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसका पहले कंटेंट भी थोड़ा सा देख लेना, ये कंटेंट नहीं लगाना हम लोगों ने, इसको शुरू से हम लोग बंद कर देंगे। अब इस तरह करके आप लोगों ने जो है ना ऐसे कंटेंट क्रिएटर ढूंढने आप लोगों ने, जो कि आपको लगेगा कि ये कंटेंट अगर मैं लगाता हूँ तो ये बहुत ज्यादा वायरल जाएगा, ये वाला कंटेंट लगाऊंगा ये वाला कंटेंट बहुत ज्यादा वायरल जाएगा। लोग उर्दू कंटेंट लगा के काम कर रहे हैं, लोग वॉइस ओवर कंटेंट लगा के काम कर रहे हैं, लोग वॉइस ओवर उर्दू कंटेंट लगा के काम कर रहे हैं, इतने ज्यादा बेतहाशा लोग जो है ना इंडियन कंटेंट और उर्दू कंटेंट जो कि रिव्यूज वाले काम होते हैं उस पर काम आप कर सकते हैं, वो कंटेंट इतना वायरल जाता है फेसबुक के ऊपर, और लोग अच्छी वैल्यू से भी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो कंटेंट है देखिए, अगर आप इसकी अगर हम इसकी वीडियोस में जाते हैं तो आपको लगता है यार कि अगर ये वर्थ इट है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, या अगर टिकटॉक पे बहुत ज्यादा मशहूर हो तो आप ये तब भी यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। बिगिनर्स गाइड है, हम इसको नहीं देख रहे,
उसको देख लिया अगर ये है। अब ये सिर्फ मैं आपको ये एक दो मैंने खोल के बताइए, अब कितने होंगे जो के फेसबुक पे काम ही नहीं कर रहे होंगे, कितने क्रिएटर्स बैठे होंगे जिनको पता नहीं कोई फेसबुक से अर्निंग होती है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये वीडियोस नहीं लगा रहे, इसकी वीडियो आप लगा सकते हैं। इसकी पता है मैंने कहाँ से देखा है, जब ने यूट्यूब को प्रमोट करा अपने पेज के ऊपर, आप देख रहे हैं जिसने यूट्यूब को प्रमोट किया अपने पेज के ऊपर, ये देखिए अगर होता तो ये अपनी डेली वीडियोस लगाता है, ये अपने सिर्फ ऑडियंस को यूट्यूब को वो फेसबुक के ऑडियंस को यूट्यूब के ऊपर लेके जा रहा है बस, और कुछ भी नहीं कर रहा। आप इसे कंटेंट लगाएंगे डेफिनेटली आपको ना कभी स्ट्राइक आएगी नहीं कुछ हो रहा होगा। हाँ अगर ये बंदा खुद एक्टिव होकर देखता है जब वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जाएंगे तो क्या फिर आपको शायद खुद मैसेज करे या ईमेल करे कि भाई आप मेरा कंटेंट लगा रहे ना लगाओ, तो वार्निंग दे देगा आपको, आप इसके जो पैसे बनेंगे वो आप निकाल लेंगे, बाकी पीछे काम मत करोगे ना, न्यू क्रिएटर ढूंढ लीजिएगा। जितना जितना मार्केट बढ़ी है बढ़ ही जा रही है तो उसका क्रिएटर भी ऊपर मार्केट में बहुत ज्यादा होंगे, ठीक हो गया। तो इससे करके बेतहाशा किस्म के क्रिएटर्स आप निकाल सकते हैं, बेतहाशा किस्म के आप लोग जो है ना चीजें लगा सकते हैं। अब थोड़ी से बात करते हैं हम लोग एड्स के ऊपर, फेसबुक पे एड लगा लिया, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आ गया, कोई क्वेश्चन आता मुझसे पूछ लीजिए। फिर उसके बाद एंड पर हम लोग आएंगे। जहां तक सबको क्लियर है, नहीं यूट्यूब ब्लॉक नहीं कर सकते आप, ठीक है, ओके सर गुड हो गया, ठीक है जी। अच्छा आप कोशिश करें अगर व्हाट्सएप आप लोगों ने पूरा करना भी है तो मैथ से कर लीजिए, मैंने आज सिखाया आप लोगों को। इंडियन कंटेंट से वॉच पूरा जल्दी हो जाता है क्योंकि उससे आसान है, लेकिन अगर काम करना तो आप इन कंटेंट पे काम करें, ठीक हो गया। इन कंटेंट में लोग काम कर रहे हैं, कुछ कुछ पे काम कर रहे हैं, किसी को कोई बता नहीं रहा और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं लोग। अच्छा यूजर नंबर पास प्रॉक्सी, कौन सी प्रॉक्सी समझ नहीं, कोई प्रॉक्सी नहीं, सिंपल डाउनलोड करेंगे साइफोन पर आप काम कर सकते, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा अब लेफ्ट मैंने ये वीडियो लगाई हुई है, इसको अगर मैं ऐड ऑन करना चाहूँ तो मैं ऐड सेंटर में जाऊंगा, यहाँ से जाकर मैं क्या करूंगा ऐड ऑन कर दूंगा, ये मैं दे दूंगा इसका लिंक, मैं दे दूंगा मसला नहीं जी। बिल्कुल इंडियन टीवी सीरीज को लाइव करके वॉच पूरे कर सकते हैं। अतीश आज जो क्लास हुई थी ना मैच, उस तरह अपने वहां सीरीज को ब्लॉक करना होता है, वहां से आप वॉच पूरा कर सकते हैं। हाँ सेम तरीके से एडिट किया जाता है, इसमें ज्यादा एडिटिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि इसमें आपका कंपटीटर हाई कोई नहीं, कोई कंटेंट किसने लगाया ही कोई नहीं है। कंटेंट आपने यूनिक निकालना, अच्छा निकालना, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट आप लोगों ने अच्छा निकाल दिया, आपकी सारी ये ना इंस्टेंट पैसे पूरे हो जाएंगे और इतना अच्छा लोग इसमें अर्निंग कर रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एड्स लगाने, एड्स लगाने के हमारे पास क्या होगा। अच्छा इसमें मस्ता तो हम कोई पेज को चूज कर लेते हैं जिसमें हम लोगों ने वीडियोज लगाई हुई, जो हमने अपना एक नया पेज बनाया था वही चेक कर लेते, ठीक हो गया। अच्छा इस पे आते हैं और यहाँ पर हम आकर एड सेंटर में जाते हैं, यहाँ पर हम एड्स लगाएंगे। अच्छा अब एड दो तरीके के लिए मैं लगाऊंगा, एक तो फॉलोअर के लिए एड लगाना सिखाऊंगा पेड तरीका कौन सा है, और अगली क्लास में बताऊंगा फ्री तरीके कौन सा, अभी दोनों पेड तरीके आपको सिखाऊंगा। क्रिएट एड पे जाकर हम क्लिक करेंगे तो एक अगर ऑटोमेटेड एड, एक अगर क्रिएट न्यू एड, आपने क्रिएट न्यू एड पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, गोल आपने सेट करना है, गोल क्या है वो फेसबुक खुद पकड़ता है, या अगर आपने कोई गोल रखना है तो आप लग सकते हैं। मैं कहता हूँ ये पेजेस लाइक्स, अभी मैं पेजेस लाइक्स क्या आपको सिखा रहा हूँ कि पेजेस लाइक्स आपने किस तरह जो है ना ऐड ऑन करने हैं। इफ यू लव हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे जी, इमेज को चूज करते हैं, मेरे पास इमेज अपलोड होंगी, ये मैं पिक्चर लगा लेता हूँ जी। ठीक हो गया, अब ये मेरे पास पिक्चर आ गई, अब यहाँ पर बटन लगा लाइक पेज का, ठीक है ये बटन भी मैंने लगा दिया। अब इसमें दूसरी चीज आती है ऑडियंस, ऑडियंस बहुत मैटर करती है, ऑडियंस आपने चूज कर लेंगे। देखो इंडिया की पिक्चर है तो मैं इंडिया चूज कर लूंगा, ठीक हो गया इंडिया कंट्री आ गया, ठीक हो गया। 333 मिलियन 2385 मिलियन तक मेरी जो ऑडियंस को जाएगी रीच,
और उसके बाद मैं एक और काम करूंगा, मैं जो है ना थोड़ी ऑडियंस नैरो डाउन कर दूंगा। जैसे जैसे ऑडियंस को नैरो डाउन करेंगे ना आपका रिजल्ट उतना अच्छा आएगा। कोशिश करेंगे आपका 3,000 पे से कम जो है ना आपके 10,000 फॉलोअर्स पूरे हो जाए, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पाकिस्तान को पहले रिकॉर्ड करना हम लोगों ने, ठीक है, सिर्फ इंडिया को दिखाना बस। और ऑडियंस, ऑडियंस बड़ी मैटर करती है। आपने 13 साल से लेकर 34 साल या 30 साल तक इसकी ऑडियंस रख लें, और बाकी आपने कुछ भी नहीं लिखना, कोई टारगेटिंग, कोई डिटेल टारगेटिंग आपने नहीं करनी, सेव ऑडियंस कर लेनी है। और आपने बजट लगा देना है यहाँ पर। अब मेरे पास बजट है यहाँ पर, पीकेआर में बता रहा है डेली बजट कितना लगाना चाहता है, वो मेरी मर्जी है, मैं मर्जी लगाऊंगा, ठीक है। मैं 500 भी लगा सकता हूँ, 180 रुपीज भी लगा सकता हूँ, डॉलर्स भी लगा सकता हूँ, इंडियन करेंसी भी लगा सकता हूँ, ठीक हो गया। अब ये बता रहे हैं कि ये मैंने बजट लगाया 500 पर डे का, बजट लगा 7 डे चलेगा और 3500 रुपये कटेंगे। लेकिन अब देखिए, मेरे अगर 3500 रुपये कट रहे हैं, मुझे 10,000 फॉलोअर मिल रहे हैं, तो मेरे हाथ सबसे बेस्ट तरीका ये है हमारे पास कि खुद ऐड रन करके हमने फॉलोअर्स दे लिए। अब पेमेंट मेथड मैंने ऐड नहीं किया, मैं पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए मैं क्लिक करूंगा, बैंक में जाऊंगा, यहाँ पर आपके पास आपका जो वीजा कार्ड होगा वो मास्टर कार्ड होगा, वो आप क्या करेंगे उस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कार्ड नेम लिखेंगे या कार्ड नंबर लिखेंगे, डेट जो कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है वो लिखेंगे, सीवीवी कार्ड के पीछे लिखा होता है, आप उसको सेव कर लेंगे। देन आप प्रमोट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है ना फेसबुक पेजेस पे लाइक्स आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रॉपर तरीका है लाइक्स का, ठीक हो गया। ये जहां तक समझ आ गई कि फेसबुक पेजेस पर लाइक्स किस तरह लेकर आने हैं, ठीक हो गया। ये टॉपिक इंक्लूड है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने दिखाया था यहाँ पर ये वाला। अच्छा, अभी हम लोगों ने हाउ टू कंप्लीट वॉच टाइम, अभी हाउ टू कंप्लीट फॉलोअर कर रहे हैं, ठीक है। अब वॉच टाइम का बताता हूँ कि आपने एड्स रन करके वॉच टाइम पूरा किस तरह करना है। ये थोड़ा सा फेसबुक का वॉच टाइम पूरा होता है, लेकिन जो अपने एड रन करेंगे ना, एड के बाद जो वॉचिंग आएगी ना, एड्स के बाद जो वॉचिंग आएगी वो फेसबुक काउंट करेगा, जो एड पे वॉचिंग आएगी वो फेसबुक काउंट नहीं करेगा। तो आपने 2 दिन के लिए एड लगाना या 1 दिन के लिए एड लगाना, उसके बाद देखना कि वीडियो पे व्यूज आ रहे कि नहीं आ रहे। अगर तो वीडियो अच्छी हुई और वीडियो पे व्यूज आने शुरू हो गए तो क्या हो जाएगा, फेसबुक आपके वॉच टाइम काउंट करना शुरू कर देगा। जैसे वीडियो आपकी 6 लाख 7 लाख 10 लाख पे जाएगी रीच, तो आपका वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। इसके लिए भी आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखा होगा, एक ये ऑटोमेटिक पे कर सकते हैं, सेकंड एक और इसमें ऑप्शन हमारे पास मौजूद होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि हम लोग खुद जाकर एड प्रॉपर बनाते हैं, वो हमारे पास आता है ये एड मैनेजर के अंदर जाकर, ठीक हो गया। हम लोग जाते हैं एड मैनेजर, तो वहां से जाकर हम लोग वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं, वीडियोस अपलोड करेंगे और साथ में उसको प्रमोट का बटन भी नीचे आ जाता है, आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं जाऊंगा एड्स मैनेजर के अंदर, यहाँ से जाकर मैं वीडियो को एड को जो रन कर दूंगा, लेकिन पहले मैंने वीडियो अपलोड करनी होगी इस पेज के ऊपर जिस पेज पे मैंने एड रन करने। अच्छा, शहबाज का ये अच्छा क्वेश्चन है, शहबाज कह रहा है कि सर फॉलोअर बाय कर ले या आफ्टर वॉच टाइम। यार पहले आप लोगों ने ना वॉच टाइम पूरा करना है, क्योंकि वॉच टाइम पूरा करते हुए अक्सर ना पेजेस पे एलओसी आ जाता है। तो जब आप अगर एल ओ सी नहीं आया, फिर आप क्या करना है, फॉलोअर ले लेना। फॉलोअर पहले पैनल भी मिल जाते हैं, 1,000 रुपए के 1,500 रुपए के पैनल वाले फॉलोअर मिल जाता है, वो भी लगा सकते हैं, या इस तरह करके आप एड भी रन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं वीडियोस पे लाऊं, देखिए वीडियो व्यूज मैंने क्लिक किया हुआ है, ये मैंने सारी ऑलरेडी ऑडियंस बनाई हुई है जो कि मैं पहले भी दिखाई है, और इस तरह करके क्या करते हैं इनको एड को रन करते हैं। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे आप, जहाँ से वीडियो व्यूज पर मैंने क्लिक कर लिया, और यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट पर क्लिक करेंगे, हमारे पास एग्जिस्टिंग जो पोस्ट होगी हमने वो लगानी है, और कॉन्टिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग, या बेशक न्यू पे कर ले, कोई मसला नहीं, बल्कि न्यू पे करें आप, एग्जिस्टिंग पे ना करें, क्योंकि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आप बिल्कुल डिफरेंट भी होंगे लोग इसमें। अब ये ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं, एंगेजमेंट वीडियो देखिए, अब इसमें आपको नजर आ रहा है एंगेजमेंट के अंदर क्या है, वीडियो व्यूज आ रहे हैं। अब आपने ये सिलेक्ट कर लेना है जहां पर आकर, अब इसे कंपेन का नाम लिख देना, ठीक है जी, चाइनीज वीडियोस, ठीक है, नाम दे दिया मैंने,
अब इसमें आपने और कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है, नई टेस्टिंग देखनी, नहीं आपने इसको यूज, बस सिर्फ आपने इसको ओपन कर लेना कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक हो गया। डेली बजट कितना लगाना है आप 500 लगा दें, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपने और कुछ भी नहीं छेड़ना। अच्छा आप यहाँ पर पूछा कि वीडियो एड हमारे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और नीचे आकर हम लोग क्या करेंगे, ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री में दिखाना है, अगर आपने सपोज हांगकांग में दिखाना है तो हांगकांग सेलेक्ट करेंगे, सॉरी अगर आपने यूएसए में यूके में जहां भी दिखाना है अपने ऐड वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे, वहां की ऑडियंस को सिलेक्ट करेंगे। और इसके लिए शायद आप पूरी पूरी ऑडियंस लेते, लेट 65 तक तो लोग नहीं देखते, 50 तक देख लेते हम लोग जहाँ तक, ठीक हो गया। 18 से लेकर 50 तक हमने ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया, ऑल जेंडर्स, और जो जिस कंट्री की आपने वीडियो उठाई है उस कंट्री का भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। वीडियो प्लेसमेंट आपकी मर्जी है, आप मैनुअल भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक, अगर ऑटोमेटिक कहते तो ऑटोमेटिक ही इसको रहने दें, ठीक हो गया। और अभी चेक करते हैं आगे, वीडियो हमारे पास आ जाएगी। फेसबुक पेज को क्या सिलेक्ट करो, जिस पेज पे लगानी है वो पेज हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और नीचे अगर वो ऐड वीडियो भी कर रहे हैं यहाँ से हम वीडियो को अपलोड कर लेंगे, ऑलरेडी अगर अपलोड हुई तो मेरी वीडियो यहाँ पर नजर आ जाएगी, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर लेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद क्या कर लेंगे, सिंपल से हम उसको क्या कर लेंगे, सेट पब्लिश कर देंगे। जैसे हम पब्लिश करेंगे तो क्या होगा, हमारे सबसे ज्यादा ना ऐड रन होंगे, और ऐड रन करने के बाद हमें पता लग जाएगा अगर हमारे पास मिनट वीडियो का 1 मिनट अच्छा आया, मतलब 3-4 मिनट की वीडियो थी तो 1 मिनट से ऊपर लोगों ने देखा ज्यादातर, तो इसका मतलब हमारी वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इसके बाद जब ऐड बंद हो जाएगा उसके बाद भी अच्छा परफॉर्म करेगी ऐड, ठीक हो गया। अभी रेंटेड ग्रुप की मैं बात नहीं कर रहा, रेंटेड ग्रुप की बात मैं कल करूंगा, अभी इसको छोड़ दे, सब पे बात करनी। अब आप लोगों को समझ आ गई है सारा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ये चीज आपको मार्केट में कोई भी नहीं बताएगा कि लोग इस पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये दोनों टॉपिक पे हम लोगों ने कवर कर लिए, और ये मैंने पेड तरीका आपको बता दिया कि किस तरह आपने फॉलो पूरे करने, किस तरह वाचन पूरे करना, मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई है, मैं पिक्चर्स भी आप लोगों को दे दूंगा, ठीक हो गया। दीपेंद्र का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सबसे चीप कंट्रीज के लाइक्स इंडिया के, पाकिस्तान के, इंडोनेशिया के, ये 3 कंट्रीज ऐसे जिनके बड़े चीप फॉलोअर्स होते हैं, जिनको बड़े आसानी से आपको वॉच टाइम और फॉलोअर मिल जाता है, क्योंकि इन कंट्रीज के लोग बहुत वेले होते हैं, आपको आराम से मिल जाता है। अच्छा थोड़ी सी साथ साथ बात करते हैं यार, कि लोग आपको, मैं ये कहूंगा यार आप लोग अपने कंटेंट में काम करें, ठीक है ना, अपने कंटेंट में काम करने से आपको ये फायदा होगा कि आप लोग थोड़ा सा स्लो ग्रो करें, लेकिन क्या एक बार जब वो चीज ग्रो कर देगी फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, ठीक हो गया। अभी मैं आप लोगों को एक पेज दिखाता हूँ, शायद इस पर ऐड लगा हूँ, क्या नाम है उसका, ये ऐड में दिखाता हूँ, लेकिन सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए लोग किस तरह कॉन्टेंट पे काम कर रहे हैं और पैसे लगा रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। ठीक हो गया, इस पर हम आते हैं, पेज को ओपन करता हूँ आपके सामने, और ये एक अप्रूव पेज है जो कि हमारी मार्केट में एक बंदे का है जिसने पार्टनरशिप पे काम किया, पार्टनरशिप पे आप लोग भी काम कर सकते हैं। अच्छा अब आपने ये चेक करना है कि इस पे एड्स लगे कि नहीं लगे, आपने सिर्फ नीचे आना पेज ट्रांसपेरेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आना है। अभी इसने ऐड बंद की, लेकिन लास्ट टाइम इसने पेज पे ऐड लगाए हुए थे, देखिए अभी ये पेज पाकिस्तान से चल नहीं रही है, 3 इंडिया से लोग चला रहे हैं, 1 ऑस्ट्रेलिया से और 1 इसलिए चला रहे हैं, ठीक हो गया। मैं आपको थोड़ा सा इसके फिल्टर भी करते हैं, फिल्ट्रेशन से अगर हमें मिल जाते हैं कि ऐड इसमें रन किए हुए थे तो हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, ऑल एस पे क्लिक करते हैं, अगर ये चेक कर लेते हैं शायद इसने इस पर लगा दिया, और फिल्टर कर लेते हैं ओनली फेसबुक देख लेते हैं, ये चीज हमारे लिए ये चीजें बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हम इस तरह पेजेस को स्पाई करते हैं, इसको बोलते हैं पेज को स्पाई करना, ठीक है।
यार इसको लास्ट टाइम मैंने भी एक लेक्चर दिया है, उसके अंदर मैंने एक पेज दिखाया था विद एग्जांपल, आप ये देख सकते हैं। ठीक हो गया, चेक कर लेते हैं एक साल की डेट रेंज में क्या पता में जो है ऐड इसके नजर आई जाए। लेकिन अभी ये फिलहाल ऐड ऑन नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस के ऊपर ऐड ऑन करता है। और ये जो इसने अभी आई थिंक इसके 300K फॉरवर्ड हो चुके हैं, बल्कि 500K, 500K फॉरवर्ड चले गए। और पेज अभी जस्ट इन लोगों ने नवंबर 2020 के एंड में बनाया, एक साल के अंदर इनके 5 लाख फॉलोअर्स हो गए। बल्कि ये भी लोगों ने लेट किया, अभी वीडियोस बहुत ज्यादा डाल रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, डेली वीडियोस बना रहे हैं, और ये कंटेंट इनका बहुत अच्छा लग रहा है। सचिन अली कह रहे हैं ऐड नहीं शो होगा, ठीक है सचिन अली आपकी बात मान लेते हैं, भी शो ना हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि यार इस तरह न्यूज वाला कॉन्टेंट, इस तरह का कॉन्टेंट ना बहुत ज्यादा लोग वायरल जाता है, इस तरह लोग बहुत ज्यादा लोग चीजों को देखते हैं, उठाते हैं, और इसको ना शेयर करते हैं, खुद ब खुद भी लोग शेयर करते हैं। ठीक हो गया, ये देखिए आप, अच्छा अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैंने आप लोगों ने रखी थी ये वाली। ठीक हो गया, अब जी ये वन बाय वन एग्जांपल निकालता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। यार देखो लोग किस तरह अर्निंग कर रहे हैं, कैसे कैसे कंटेंट है लोग अर्निंग कर रहे हैं। ये जी मूवीज वॉइस ओवर का कंटेंट, ये मूवी का जो रिव्यू उठाया गया यूट्यूब से और इसको रोबोटिक वॉइस से रिव्यू इसका लिया गया और बाद में इसको एडिट करके अपलोड किया गया। ये फेसबुक पे अप्रूव पेज पे इन्होंने लगाया। आप ये जो कंटेंट है ना, कोशिश करें अप्रूव पेज लेकर इन पे काम करें, ठीक है ना, ये अप्रूव पेज पे काम किया गया। अब इस पे ना लोग जब देखते हैं ना, लोग उस पर रुक जाते। मैंने पूरी वीडियो देखी जब पहले पहली बार देखी, तो उतना मुझे सस्पेंस इसके अंदर नजर आया। जैसे मैंने उसको देखा सस्पेंस नजर आया, मैंने पूरी वीडियो देखी। जैसे फेसबुक पर लगा यार कि इस बंदे ने पूरी वीडियो देखी है, इसकी बाकी वीडियो मेरे आगे फेंक दी और ये पेज और लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर दी फेसबुक ने। ठीक हो गया, इसका नाम है मियामी रिव्यू। आई थिंक ये स्टोरी लगा रहा अभी भी, हालांकि पेज तो ये डेड हो चुका है। आई थिंक इसका जो है ना ये दूसरे पेज पे इसको लेके जा रहा है। अभी ये दूसरे पेज के ऊपर ये काम शुरू कर दिया, इसमें वीडियोस लगा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी रिव्यूज अच्छी नहीं लगा रहा, तो इसको आपने निकाल दिया वीडियो शायद। ये देखिए ये चाइनीज कंटेंट है, लाइक ऐसा लगता है कि ये एक चाइनीज कंटेंट इस तरह मूवीज लगी हुई। ठीक है, इस कंटेंट में काम नहीं कर रहे, लेकिन वैसे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए अच्छा कंटेंट निकाला, जिस तरह जहाँ पर अगर इसके भी वीडियोज लगा रहे हैं। अच्छा ये अब देखिए बाकी इस पेज, ये पेज उसका रेड हो गया, लेकिन क्या कर बाकी पेजेस की वीडियोज इस पर जहाँ पर फेंक रहे हैं। ठीक हो गया, और मैंने आपके लिए पॉजिटिव रिव्यू निकाला था, उस वीडियो के रिव्यू बहुत अच्छे थे, और इस तरह करके पॉजिटिव काम आप लोगों ने करना है, ऐसा काम नहीं करना जो कि एक बैड इम्पैक्ट डाले माशरे के ऊपर। ठीक हो गया, नहीं आता भाई सादी सादी तरी, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें, आज हम इसी से बात करेंगे। लोग कहते हैं कि LOC आ जाता है कंटेंट के ऊपर, LOC नहीं आता। सही है, देखिए आप ये एक क्या बोलते हैं इसको, मैजिशियन है, और ये नुजरत बे है जिसका बहुत बड़ा इंस्टाग्राम है, और इसकी वीडियो भी एक बंदा यूज कर रहा है, उसको पता ही नहीं इसकी वीडियो लगा रहा। ठीक है, ये देखिए आप, अब ये एक ब्लॉगर है। अच्छा इस तरह करके आप एक और काम बताता हूँ। अब आप लोगों ने क्या करना, अगर आप लड़के कहते हैं मैं किसी को नहीं उठा सकता या मैं नहीं उठाऊंगा, आपने मशहूर लोगों को ईमेल लिखनी है, मैं ईमेल के फॉर्मेट्स आप लोगों को दे दूंगा, आप लोगों ने उनसे कॉन्टैक्ट करना। मुझसे कितने लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, महीने में दो कॉन्टैक्ट ऐसे लाजमी बंदे आते हैं जो ओरिजिनल कॉन्टेंट क्रिएटर होते हैं, जिससे मैंने अगर बताया कि मैं रोमानिया का मैजिशियन आया, वो इस तरह का ही काम करता था, उसका पेज किसी ने हैक कर लिया, उसने मुझसे मदद मांगी, मैंने उसका मसला हल कर दिया। फिर क्या हुआ, तो उसने मुझे ऑफर की कि आप मेरे साथ काम करो और अपने पैसे लो, मुझे 1% दे देना और अपने परसेंटेज खुद रखो, मेरे पेज पे काम करो, उसने मुझे ऑफर की। ठीक है, इससे करके जब हम उनको ईमेल लिखेंगे ना, तो ये बैठे होते हैं कि लोग हमारे पास आए, बदले हमारे पास काम के लिए, हमारे काम करके दे, पर वो अपना कमीशन हमसे ले लें और हमसे में हमारे पैसे दे दें। अब इससे करके आप इनको एतमाद में लेकर काम कर सकते हैं और इसकी वीडियो लगा सकते हैं। अब इसकी वीडियो को काम कर रहा है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है, लेकिन इस तक कई बेतहाशा मैजिशियन है, एक्टर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो कि फेसबुक पर नहीं है। आप उनको ई मेल लिखेंगे, उनको बोलेंगे, वो आपसे काम करने में राजी हो जाएंगे। मेरे कितने स्टूडेंट ऐसे ही काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी जो सेलिब्रिटीज है उनकी पेजेस को हैंडल कर रहे हैं इस टाइम, मेरे स्टूडेंट्स। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, उन्होंने बोला खैर हमारा नाम ना बताइएगा,
तो उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को लिखा इवन कि वो मान भी गए क्यों कि उनके मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होती थी। उन्होंने प्रॉपर तरीके से उनको लिखा मैनेजमेंट ने उनको बोला तो वो राजी हो गए और एक परसेंटेज पर दोनों की तय हो चुकी है और वो दोनों अब काम कर रहे हैं। इस तरह बाहर के कितने भी जो है ना काम होता है वो लोग करते हैं। अच्छा अभी सर वॉइस ओवर पे LOC कैसे आएगा? वॉइस ओवर तो खुद कर लो अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की है सती ने। ये मुझे बताएं जी सादिक अली, सादिक अली ये कहां पर आपको LOC नजर आया इस पेज के ऊपर बताएं। 1 मिलियन इसकी थोड़े चलेगा सारे के सारे 3 घंटे पहले ने वीडियो डाली। सारा वॉइस ओवर कंटेंट है, सारा का सारा वॉइस ओवर कंटेंट है। ठीक है ये देखिए वॉइस ओवर में कभी आपको इशू नहीं आता। अब आप ये कर रहे हैं अगर जो टॉपिक आप लोगों ने लेना है ना आपने उसको सबसे पहले रिसर्च कर ली है। आपने ये देखना यार कि मैं अगर इस टॉपिक पे काम करूंगा तो कैसा कंटेंट रहेगा मेरे लिए मुझे इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। अभी मैंने आपको 3 टॉपिक बता चुका हूँ। कल इसके बाद गेमिंग वाला और इवेंट कंटेंट होगा वो बड़े मजे की क्लास होगी इस तरह की और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब ये देखिए मैंने एक एग्जाम्पल दिखाई। मैं बेतहाशा दिन में एक पेज लाजमी देख रहा हूँ जिसपे वॉइस ओवर कंटेंट लगा होगा। ये देखिए आप YouTube से ढूंढे कोई बंदा वॉइस ओवर करता है आप उसकी वीडियो उठाएं या उसको बोले यार कि मैं आपके साथ काम करूंगा आपका फेसबुक पेज मैं मैनेज करूंगा आप मुझसे काम कर लो। अच्छे बल्ले आपको लोग कॉन्टेक्ट करेंगे अच्छे बल्ले। ठीक हो गया। अभी एक अप्रूव पेज इस पे लोग काम कर रहे हैं अच्छी बल्ली अर्निंग हो रही है इस पेज की। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिंक देखते हैं। अब इसमें मेरे स्टूडेंट के पेजेस भी हो सकते हैं मेरे अपने पेजेस भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर बीच में आपको मिक्स करके दिखा रहा हूँ। ठीक है मेंशन नहीं करूंगा लेकिन मिक्स करके दिखा दूंगा। ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्लॉगर है यूट्यूबर है जो कि वीडियोस बना रहा है और ये फेसबुक पे इतना ज्यादा वायरल है इतना यूट्यूब पे वायरल नहीं है। ये बंदा अब्दुल मालिक फरीद है पाकिस्तानी है आई थिंक और ये रहता है सऊदी अरब में और ये फूड ब्लॉगिंग करता है। और देखें सबसे मजे की बात कोई म्यूजिक पीछे नहीं पड़ा हुआ इस तरह से करके। ठीक है और एक बात ध्यान में याद रखिएगा जब आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर होते हैं काम करते हैं ना फेसबुक आपको रेड मैजर दे देता है। रेड मेजर के अंदर आप म्यूजिक लगा काम कर सकते हैं कोई निशेरी से पीछे लगा अभी इसके बाद रेड मेजर मौजूद है। ठीक है रेड मेजर से ये होता है कि जब आप रेड मेजर के अंदर वीडियो डालते हैं ना वो चेक करता है आया ये वीडियो के ऊपर जो वीडियो पे म्यूजिक लगा हुआ या जो निशेर लगा हुआ है किसी और ने तो नहीं लगाया हुआ फिर वो आपको अलाउ कर देता आप जो है वीडियो लगाकर अच्छी बल्ली वहाँ से अर्निंग कर। अब ये इसकी वीडियो हर वीडियो इसकी ना 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जा रही है डेली ये वीडियो बना रहा है और ये काम कर रहा है। आप लोग भी काम कर सकते हो आप लोग वीडियो बना सकते हो वीडियो दिखा सकते हो लगाओ कोई मस्ता नहीं कोई सुनिए किसी भी टॉपिक पे काम कर लो यार आप किसी भी टॉपिक पे आप लोग काम कर लो। ये ग्रुप आ गए ये देखिए इंग्लिश वॉइस ओवर कंटेंट। अब आप लोग कहते हैं यार कि इंग्लिश वॉइस ओवर कंटेंट भी चलता होगा ये देखिए एग्जांपल आपके सामने और ये सारे के सारे अप्रूव पेजेस जितने मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इन पे अर्निंग हो रही है दबा के लोग अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है ये अप्रूव पेज की मैं आपको अर्निंग दिखा रहा हूँ। अब आप लोगों ने जब सोच लिया यार मैंने इस कंटेंट पे काम करूंगा आपने 1 महीना चुपा के काम करना है। व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई मसला नहीं है आप लोगों ने काम जरूर करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं 2 दिन काम करते सर व्यूज ही नहीं आ रहे हमने तो उस पर काम है भाई लोग 3-3 महीने काम करते आप लोगों को जगह रिजल्ट मिलता है और शेयरिंग कोशिश करें इस मॉडल में ना दीजिए ऑटोमेटिकली वीडियोस वायरल जाएंगे आप लोग खुद देखेंगे। गेमिंग में मैं आपको दिखाऊंगा आप लोगों को गेमिंग में किस तरह लोग काम कर रहे हो ऑटोमेटिकली वीडियोस वायरल जा रहे हैं कोई शेयरिंग नहीं दे रहे। ठीक हो गया सर वॉइस ओवर मूवी का था इसलिए तो नहीं आया था बिल्कुल हो सकता है लेकिन ये जो मैं वॉइस ओवर दिखा रहा हूँ ना ये देख रहे हैं आप। अब ये इसने उठाई हुई यूट्यूब से उठाकर लगाई हुई अच्छे बल्ली अर्निंग कर रहा है। ठीक हो गया इसमें कोई फजूल किस्म का सीन नहीं होता जिस तरह का सीरीज कह सकते हैं जिस तरह आपको इंडियन सीरियल लग जाता है ये है यूरोप कंट्रीज के सीरियल्स। ठीक हो गया ना और इस पे अच्छे बड़े लोग छुप करके काम करने को लगे हुए और अच्छी बड़ी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है आप ये भी एग्जाम्पल देख लो ये देखिए अब ये चाइनीज कंटेंट है जो उसने खाकर लगाया है। अब ये देखिए जी रिकमेंडेशन जो आप लोग कहते हैं सारे रिकमेंडेशन के तो ये देखिए वीडियो कहां से उठाई गई है
कोई शो ऐप से, कोई लोगों मुझे बता सकते हैं, लोगों आपको नजर आया था अभी शायद, ये नजर आ रहा है, ये लोगो आपको कशु ऐप का लोगो आपको नजर आ रहा है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये लोगो इस एप्लीकेशन का। यार इन कंटेंट पे ना काम करने के, पता है इसका फायदा क्या होता है, आप लोगों को एलओसी बहुत जल्दी नहीं आता, एलओसी बहुत जल्दी, मतलब देखिए ये लोगो जो इस वीडियो पे लगा हुआ, इसका मतलब ये कशु से इसने डाउनलोड की और फेसबुक पर अच्छी वाली अर्निंग की इसने, ठीक हो गया। अब देखिए ये शेयरिंग काम है, ये भी देख लीजिए, आप लोग कहते हैं सर हम शेयरिंग काम कर रहे हैं, ऐसे कंटेंट को ही देख लें जी, कहाँ कहाँ लोगों ने शेयरिंग की, ये देखें 4 घंटे पहले से ये वीडियो लगाई, शेयरिंग हुई भी, देख रहे हैं आप, ये देखें इतने लोग शेयरिंग कर रहे हैं। अब जो वीडियो ऑलरेडी शेयर हुई ना, आप उन्हीं से क्या करें, शेयरिंग निकाल लें, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यार इस कंटेंट में 1.7 की शेयरिंग हुई, आप इसकी शेयरिंग निकाल लें, मेरा टूल दिए हुए आपको, आप शेयरिंग निकाल लें इसकी, कोई ना कोई ग्रुप आपको 3-4 अच्छे मिल जाएंगे, इसमें आप शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो आपको ग्रुप मिल गया उस पर अप्रूवल लगा हुआ, आप यहाँ पर आए अबाउट में जाए, उसके एडमिन को मैसेज करके बोले यार कि मुझे इस पे अभी कितने एडमिन है इसके, यहाँ पर मैं इसके मॉडरेटर भी होंगे, एडमिन होंगे, पेजेस होंगे इसके, तो हम क्या करना है इन लोगों को, देखें मैसेज करें आप इनको, भाई हमें पेज जो आपका रेंट पर चाहिए ग्रुप, तो कितने पैसे लेंगे, ठीक है। तो जिन लोग रेंट पे देते हैं, देख रहे हैं आप ये पेज इसने लगाया हुआ है, 12 मिनट्स के अंदर इसने काम शुरू किया, अब ये लगा रहा कि नहीं लगा रहा अभी ये नहीं, इसने वीडियो पुरानी जनवरी में इसने काम करके छोड़ दी इसके बाद, ठीक है। कितना कंटेंट आप लोगों के पास पड़ा हुआ है जिस पर आप काम कर सकते हैं बेतहाशा किस्म का। एग्जैक्टली बिल्कुल आतिश ने अच्छी बात की है कि भाई राइट ग्रुप्स होने चाहिए, नीच उठाएं और उस पर काम करें, वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी जाएगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दो वीडियो 5-6 वीडियो से रिकमेंडेशन वीडियो नहीं जाती, आपको कंटिन्यूअसली काम करना पड़ता है, दिन के आपने 3 से 4 वीडियोस लगानी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर वर्किंग मेथड है, आप डेली काम करें आपको सक्सेस मिलेगी इसमें, ठीक हो गया। देखिए इसने वीडियो लगाई थी और ये फिर 25 फरवरी को एक और वीडियो इसने लगाई है, देख रहे हैं, और इसने काम शुरू किया उस पेज के ऊपर, अब देखिए वीडियो इसने लगाई है और यहाँ पर वो शेयर किया इस ग्रुप के अंदर 10 जनवरी को। अब देखिए अपने पेज या अब ये इस के ऊपर बार बार इसको शेयर कर रहा है वीडियो, देखे और इसकी रीच कितनी है, देखे 140, जब ये वीडियो लगाता है, देखे तस्वीरें भी लगाई इसने इसकी, तो ये इसकी क्या होगा, साथ साथ जब वीडियो लगाता रहेगा ऑटोमेटिकली इसकी रीच भी बढ़ती जाएगी। देखिए 7 अप्रैल को इस पर लगी वीडियो, 1 PM लाइव खेल रहे हैं, BMMG गेम का नाम है जो खेल रहे हैं, गेमिंग की बात करेंगे, इसे देखते हैं कि देखें अब साथ गेमिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ वीडियोस भी लगा रहे हैं, इससे क्या होता है कि आपका पेज जो है लॉन्ग टर्म चल जाता है, देख रहे हैं आप लोगों ने खुद अब इस दुनिया को एक्सप्लोर करना, खुद इस दुनिया को खोल लें और अपने दिमाग का ढक्कन भी खोल लें जो आपके सिर्फ फंसे हुए हैं कि भाई। एग्जैक्टली बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक्स हैं, बहुत ज्यादा मैंने एग्जाम्पल संभाल के रखी हुई है आप लोगों पेजेस की, आप लोगों से दिखाने के लिए सारा कुछ जब हो जाएगा, लेकिन अब ये भी एक अपूर्व पेज है जो मैंने न्यूज पे देखा, ये न्यूज पे काम हो रहा है, न्यूज पे लोगों ने काम किया, मैं एग्जाम्पल आपको दिखा चुका हूँ। वो अगली क्लास में, बाकी टॉपिक्स अगली क्लास में क्लियर होंगे, अभी जो मैंने आपको सिखाना था ये सारा कि आप लोगों ने किस तरह काम करना, अच्छा इसमें एक और चीज आ जाती है कि आप लोगों ने अपने कंटेंट पे किस तरह काम करना है, अपने कंटेंट के काम करने के 2-3 फायदे, एक तो लॉन्ग टर्म काम करना है, उसके बाद आपको एलओसी का इशू नहीं आएगा, स्लो इसमें ग्रेजुअल ग्रोथ ग्रोथ होती है, ग्रोथ आपको शुरू में कम होगी, लेकिन एक बार जब टॉप पे पहुंच जाएगा तो आपको मसला भी कोई नहीं होगा, बल्क शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे एक आरडीपी बाय कर ले या लैपटॉप अरेंज कर ले, बाहर कंट्री के कंट्री बनाए आईडी बनाए अपने नंबर से और इस पर काम शुरू कर दे बस। और दूसरा आप किसी भी बंदे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी बंदे को कह सकते हैं कि मैं आपके साथ पार्टनरशिप पे काम कर सकता हूँ, इस तरह लोग मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं, मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं लोगों के साथ काम करूँ, मुझे दिन में एक आदमी मैसेज आता है पाकिस्तान से किसी और कंट्री से, कहता है सर मैंने आपके साथ काम करना है, वो रिद्धि कंटेंट क्रिएटर होता है, ठीक है, मुझे पहले ऑफर करता है कि आप मेरे 1% पेज के ले लें और मेरा पेज आप मैनेज करें, मेरे साथ काम करें, ठीक है। मैं कई लोगों से कर भी रहा हूँ, कई लोगों के साथ मैं ना भी की, कंटेंट में डिपेंड करता है कि हमारी डील बनती कभी डील नहीं बनती, बात करने का मकसद है कि सिर्फ आप लोगों ने ढूंढना है ऐसा बंदा या ऐसी चीजों को देखना है आप लोगों ने यार, कि वाकई अगर आप काम करते हो तो उस पर आपको बेनिफिट होना चाहिए।
आखिरी नॉट लीस्ट, जो ये टिकटॉकर है फिजर उमर, उसका ये पेज अप्रूव्ड है और अब इसका पेज इतना वायरल हो चुका है कि ये वीडियो लगा रहा है, देखिए 1.3 मिलियन इसके फॉलोअर्स है और ये पेज भी इसका जो है ना बाहर से मैनेज हो रहा है। अगर हम देखें इसका, ये देखिए कनाडा से मैनेज हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट से मैनेज हो रहा है, आप ये देख रहे हैं। अब इसे म्यूजिक इसलिए लगाया हुआ है, इसके पास रेड मैजिक मौजूद है। रेड मैजिक पे अगर म्यूजिक आप डाल लेते हो आपको फेसबुक मसला नहीं करता, लेकिन शुरू में आप लोगों ने कोशिश करना म्यूजिक को अवॉइड करना है जब वीडियो लगा रहे हो। अब कितनी बंदे ने मेहनत की है और आज ये किंग बन के बैठा हुआ है, इतना अच्छे लिए छाप रहा है और इतने ये फेसबुक यूट्यूब से नहीं निकाल रहा होगा जितने फेसबुक से निकाल रहा है। ठीक हो गया, अब किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले, फास्ट क्वेश्चन। यार फेसबुक का म्यूजिक ना ले तो बेहतर है, फेसबुक के म्यूजिक ना ले आप। ठीक है सर, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर है जो बताइए कि जो वीडियो फेसबुक पर है, समझ नहीं आई क्वेश्चन की। साइफोन को आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, कोई मसला नहीं, वो डाउनलोड कर सकते हैं। आती सती उस कंटेंट के अंदर जान लेकर आए, कंटेंट इज द किंग, मैं क्यों बार बार बात कर रहा हूँ, उस कंटेंट के अंदर से हुक डालें, तो ऐसी इनोवेशन डालें ताकि आप लोग देखें उस वीडियो को। ठीक हो गया यार, अगर शुरू शुरू में काम कर रहे हैं तो आप लोग म्यूजिक बिल्कुल ना डाले, जब थोड़ी ग्रोथ हो जाए फिर आप म्यूजिक डाल सकते हैं। ठीक है, टर्मिक्स में दे दूंगा, नो इशू, कोई इशू नहीं। देखिए अगर आप फूड पे काम करना चाहते हैं, अहमद आपको मैंने कल भी चीज आपके सामने निकाल के दिखाई दी, दोबारा मैं समझा देता हूँ आपको, और मैं थोड़ी सी एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रख दिया। ये देखिए ये एक अप्रूव पेज की एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये भी वीडियो उठाई गई, देखिए एड भी लगा हुआ, ये देखिए आपके सामने। और ये मॉम एंड सैन का प्रैंक्स है जो लोग काम करते हैं, और ये देखें ये उठा रहा है एक वीडियो, ये देखें मुख्तु लोगों की वीडियो उठा करके लगा रहे हैं और हल्के मुल्क क्या 51 शेयरिंग टोटल टीवी बस, और ये ऑटोमेटिकली खुद भी रिकमेंडेशन में जाना शुरू हो जाता है। ये देखें ये देखें ये देखें, अब थोड़ा सा बहुत इन लोगों को हम खोल भी लेते हैं, इनकी आईडी भी देख लेते हैं, इनकी आईडी कैसी है। ठीक हो गया, ये देखें वन के फ्रेंड्स हैं, ये देखिए आप इससे शेयरिंग की भी है, देखिए इससे भी शेयरिंग की भी है। अभी इन आईडीज को ओपन कर लेते थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। ये देखिए एक चीज आप नोट करेंगे, ये देखिए हर घंटे बाद 2 घंटे बाद इसने अपने प्रोफाइल के ऊपर कोई ना कुछ चीज शेयर की होगी। ये देखिए बेस्ट कार्टून एवर, अब इसने कार्टून भी शेयर की हुई, कार्टून पैराडाइज वो भी शेयर कर रहा है, फिर ये भी शेयर कर रहा है, तो ये थोड़ी थोड़ी देर बाद सिर्फ वीडियोस को ही शेयर करता और कोई काम नहीं करता, इससे भी आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में जाती है। ये एक नया तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ये देख रहे हैं सिर्फ प्रोफाइल के ऊपर शेयरिंग देने से आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में जाती है। वीडियो को आपने क्या करना, पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद आपने मुख्तलिफ आईडीज लेकर उनको अपने शेयरिंग देनी है, लेकिन वीडियो को हर आईडी से आपने पूरा पूरा देखना है, कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, फिर उसको शेयरिंग देनी है अपने प्रोफाइल पे, फेसबुक के अंदर, वट एवर जो भी आप करना चाहते हैं। देखें 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल को 1 2 3 4 5 5 वीडियो एक दिन में खोला इसने, उसने शेयरिंग की बंद कर दी, फिर एक वीडियो 16 अप्रैल की, 15 15 15 अप्रैल, इससे करके मुख्तिफ जो है ना उसने काम किया हुआ है। सेम आगे हम इसको भी देख लेते हैं कि 1 आवर से पहले ये शेयर किया है, अब देखिए बंदे की प्रोफाइल देखे तो इसका लगता नहीं कि ये चीज शेयर करेगा, लेकिन वैसे चीजों को शेयर कर रहा प्रोफाइल के ऊपर, इससे रीच बढ़ती है। आपके साथ लाइव एग्जांपल में शेयर करूंगा, इससे रीच बढ़ती है, फेसबुक को लगता है यार कि लोग बंदा शेयरिंग कर रहे हैं इस चीज को प्रोफाइल के ऊपर, तो वीडियो वाचिंग में जाती है। अब ये देख रहे हैं, इससे करके आप लोग भी ये चीजें कर सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को समझ आ गई बात की, इस तरह ग्रुपों में भी शेयरिंग करें, प्रोफाइल के ऊपर भी शेयरिंग करें, थोड़ी बहुत देखिए शेयरिंग करने से क्या हो गया, इसकी वीडियो रिकमेंडेशन में चली गई और 1.1K रिएक्शन आया। देखिए व्यूज कितने इसके ऊपर, देखिए 12 घंटे, 5 घंटे के अंदर 12K व्यूज बहुत अच्छे हैं मेरे हाल से, बहुत अच्छे व्यूज हैं, अगर 5 घंटे के अंदर 12K व्यूज, इट्स गुड। ठीक हो गया, और लोग कहते हैं कि कंटेंट कंटेंट, देखो कंटेंट लोग टॉम एंड जेरी पे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये कितना कंटेंट हम लोगों को मिल रहा है, अभी सारा हम लोगों ने चाइनीज टिकटॉक से उठाया हुआ लगाया हुआ है, जो क्यूशू और मैंने ऐप बताई है, जो मैंने ऐप्स बताई है आप लोगों को, ये वही कंटेंट है और सारे ये अप्रूव्ड है मोस्टली। ये जो पेज अप्रूव पेज दिखा रहा हूँ, ये पेज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये सारा अप्रूव पेज है और इस पर अच्छी वाली अर्निंग हो रही है, और खुद देखे इस पेज पे
कितनी वीडियोज अपलोड हुई है, अब जो मैंने पेजेस दिखाए उन पर डेली वीडियोज देखें कितनी वीडियोज अपलोड हुई है, शेयरिंग कहाँ हुई है। अब मैं जो टास्क दिनों टास्क लिख ले, आपने मैंने एग्जाम्पल दिए, इनको खोलना है, इनको चेक करना है कि आपने कितनी वीडियोज इनको डेली लगा रहे हैं, शेयरिंग कहाँ कर रहे हैं, शेयरिंग कितनी कर रहे हैं, वीडियोज किस टाइम पे लगा रहे हैं, इस सारी चीज आपने इसको काउंट कर लेना है। सबको चीजों को काउंट करके आपने अपने पास एक शेड्यूल बना के रख लेना है। फिर आपने जब काम करना तो यही प्रैक्टिस आपने फॉलो करनी है, ठीक हो गया, इसी चीज के ऊपर आपने काम करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए जी। पेज की वीडियो प्रोफाइल भी शेयरिंग करते हैं, मैंने आपके सामने दिखाया पेज की वीडियो प्रोफाइल भी शेयरिंग होती है जी, बिल्कुल हो सकता है, पाकिस्तानी वीडियो से, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन वीडियो से वाचन पूरा हो सकता है, इसमें प्लेजरिज्म भी होता है, कॉपीराइट कंटेंट का इशू होता है। देखिए कंटेंट जितना यूनिक ढूंढेंगे ना आप, तो आपको उतना ज्यादा एलओसी से बचत हो जाएगी, आपको एलओसी आएगी नहीं, ठीक हो गया जी। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग में लाजमी अपलोड करूंगा, कोई मसला नहीं, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। सर जी क्वेश्चन को यह मुझसे पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबी क्लास चली गई हमारी, और जो मैंने अभी क्लासेस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई हुई ना, आप वो क्लास भी देख सकते हैं, उस पर वही क्लास ये चीज मैंने ऑलरेडी बताई, ठीक हो गया। मेरे पास जो है ना कोई रन के ग्रुप्स नहीं है, मैं किसको को ग्रुप नहीं देता, कोई मैं आईडी सेल नहीं करता, ठीक हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं। आप मार्केट से खुद ढूंढने, लोगों को मैसेज करें, उनका रिव्यूज दें और काम करें। यार ये जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया ना, ये बिल्कुल अनटैप, अगर आप इस पर काम करोगे ना तो लिटरली आप लोगों की लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, साथ में जो पहले वाली वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग उस पर काम कर सकते हो। एग्जैक्टली यार दिमाग खुल गया ना आप लोगों का, और ये दिमाग अगर खुल गया, थोड़ी सा मेहनत कर लो तो 100% गारंटी मेरी आप लोग अर्निंग करोगे, 100% गारंटी मेरी। लेकिन मेहनत करनी, एक मंथ तक आप लोगों ने वीडियो लगानी है, काम करना, हल्के फुल्की शेयरिंग देनी है, सेटअप बनाने हैं, मुश्किल आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन आप इसको हैंडल करना है, ठीक हो गया। आज मैंने आपको क्लोनिंग सिखा दिया, क्लोनिंग आप लोग देख ले, क्लोनिंग से अडिक्स निकाल ले, मोबाइल में सेव कर ले, लैपटॉप में सेव कर ले, उनको शेयरिंग दे, तो बेतहाशा किस्म की आपको सक्सेस स्टोरी निकलेंगी यहाँ से ही, फिर मैं आपकी सक्सेस स्टोरी जो है ना आगे शेयर किया करूंगा, ठीक हो गया। सर पोर्टल पर लैपटॉप एक्सेस है, यार लैपटॉप तो नहीं, वन ईयर के लिए एक्सेस है, आप लोगों को कोई मसला नहीं है, एक साथ आज वीडियोज पड़ी रहेगी, ठीक हो गया, और कोई भी न्यू चीज आती है, कोई भी न्यू टॉपिक मेरे पास आता है, मैं आप लोगों को भी वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा जी। वो वीडियो अपलोड कर दिए मैंने, सिर्फ एक्सेस देना आप लोगों को, मैं एक्सेस दे दूंगा, ठीक हो गया। अच्छा इसके लिए वलीद का क्वेश्चन है कि क्लोन एड्स को डिसेबल से कैसे बचाना है। यार क्लोन एड्स को डिसेबल से बचा नहीं सकते, लेकिन आपने नेट सेम रखना है, क्लोन एड्स निकालनी, अगर जोम के ऊपर लॉग इन कर ली तो जोम का नेट रहने देना, अगर फाइबर ऑप्टिक के ऊपर लॉग इन कर ली तो फाइबर ऑप्टिक का ही नेट रहने देना, नेट चेंज नहीं करना बार बार, इससे जो है ना आपकी आईडी जो है ना ज्यादा मस्ता नहीं आएगा। सब चाइनीज यूट्यूब लिंक भेज दी, बिल्कुल जी, ये सारे लिंक्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, जितने भी लिंक्स हैं आपने सबको एक्सप्लोर करना है, ये सारी जो मेरी मेहनत है, मेरे अपने समझे इसमें एग्जाम्पल भी है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों ने अब इस पर काम करना, दिन रात काम करके मुझे अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। सर न्यूज पैनल में नहीं शो हो रहा है, समझ नहीं है यार, थैंक्स जी, ओके जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, दुआ में याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन है तो मैं सबको रात को रिप्लाई कर दूंगा, अभी लाइट भी गई, यूपीएस भी सारा सिस्टम चल रहा है, आई थिंक आज रात को लाइट नहीं आएगी, तो बिल्कुल जी। और यार इस क्लास का रिव्यू आप लोगों ने लाजमी देना, सबर करें मैं आप लोगों से इसका रिव्यू लेता हूँ अभी, तो काइंडली जो है इसका रिव्यू मुझे चाहिए इस क्लास का लाजमी, ठीक हो गया। थ्री क्लास थी हमारी, अच्छा अभी आप लोगों ने ये जिंदगी दिल्ली से इस पर कमेंट करें या फिर बताएं कि आप लोगों ने क्या न्यूज़ सीखा, आप लोगों को जो है क्या चीज आपने देखी, जल्दी से इस ग्रुप में जाकर जो मैंने लिंक दिया आप लोगों ने इस पर कमेंट करना, मैं लिंक ग्रुप में भी दे देता हूँ आप लोगों को, वहां से भी आप जाकर जो है ना, और इसकी रिकॉर्डिंग में तब दूंगा जब आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे यार कि वाकई जो आप लोगों ने चीज सीख रहे हैं क्या वाकई आप लोगों के पैसे पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे, आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा,
वही ओल्ड स्कूल चीजें मैंने सिखा रहा हूँ, बिल्कुल मैं अपडेटेड न्यू चीजें ट्रेंडिंग चीजें बता रहा हूँ जो शायद मार्केट में कोई इस वक्त बंदा सिखा रहा होगा। ठीक हो गया सर, एक रिक्वेस्ट है, जब लास्ट क्लास हो गई तो सारा टूल एक्सटेंशन, हाँ ये शादी के लिए मैं भी करूंगा, मैं जो है ना ये इसको अपलोड कर दूंगा पैनल के ऊपर, पैनल पे आप सब चीजें एक्सेस कर लेंगे। ठीक हो गया, अच्छा और कोई क्वेश्चन किसी का है तो मुझे जल्दी से बता दें, बाकी जो है ना काइंडली रिव्यू लाजमी दें ताकि रिव्यू मेरे लिए बहुत मैटर रखता है और मुझे पता लगे कि आप लोगों ने कितना कुछ सीखा, आप लोगों ने कितना कुछ जो है ना इस क्लास से फायदा उठाया, ताकि मैं मजीद इस कोर्स को इम्प्रूव करता जाऊँ और माशरे में मजीद लोगों को चीज़ें सिखाता जाऊँ। तो 39 लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन की हुई है, तो काइंडली 39 लोग जो है ना इसको रिव्यू करें लाजमी। बाकी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे इनबॉक्स में पूछ लीजिएगा, बाकी आप जो चैट बॉक्स ओपन है वहां पर पूछ लीजिएगा, आपको जिस तरह अच्छा लगे तो आप यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।